हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो ये वीडियो आप देखने वाले हैं ना, ये आपको विंटर कलेक्शन पे मिलने वाली है। कुछ वैरायटीज में नई रहेंगी, कुछ जो है मेरे पास जो भी पुराना एक दो पीस अवेलेबल है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो वैरायटी जो है शुरू करते हैं। पेमेंट सिर्फ और सिर्फ जी ऑनलाइन होता है। आप सूट देखना शुरू करिए। ये जो पीस आप देख रहे हो फर्स्ट, ये रस्ट कलर पे रहने वाला है। फ्रंट इसका ये आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई का इनमें कोई भी इशू नहीं है क्योंकि फुल विड्थ के ये सूट है, तो सबका इसमें सूट रेडी हो जाएगा। लेंथ एक बार जो है आपको एक बार कंफर्म कर देते हैं फिर भी कि कितनी रहने वाली है। कलर जो है बहुत ही प्यारा सुंदर सा रस्ट कलर दे रखा है। 46 की इसकी लेंथ आ रही है, तो सबका सूट इसमें तैयार आराम से हो जाएगा। बारीकी से जो काम है वो दिखा देते हैं अब आपको। ये इस पे गोल्डन प्रिंट के साथ में आपको ये सिरोस्की का सारा काम मिलेगा। नीचे आपको गोल्डन कलर की पाइपिंग दे रखी है। इसकी जो बैक है वो भी आपको प्रिंट में मिलने वाली है। और प्रिंट जो आप ये देख रहे हो ना, बिल्कुल पक्का प्रिंट है। ये छूटने वाला प्रिंट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पक्का प्रिंट है। ठीक है, देखो बिल्कुल कुछ नहीं उतर रहा है इसका, बिल्कुल पक्के प्रिंट है ये, कुछ भी नहीं जाएगा इनमें से। और बैक में से ही आपकी स्लीव्स भी निकल जाएंगी साइड में से, तो स्लीव्स भी आपकी प्रिंटेड हो गई है। और ये आ जाएगा जी इसका बॉटम। बॉटम भी आपको हैवी क्वालिटी पश्मीना में दिया गया है। बॉटम का फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। और सूट का फैब्रिक भी एकदम सॉफ्ट क्वालिटी में रहने वाला है। ये आ जाएगा इसका दुपट्टा, आप इसे दुपट्टा कह लीजिए या पतले वाला शॉल कह लीजिए, दुपट्टा ही है वैसे तो ये देखो। ठीक है, इस तरीके का आपको इसके साथ में ये शॉल मिल जाएगा। ये गर्लिश लुक की एकदम आइटम रहने वाली है। आप इसको ऑफिस वियर में भी आराम से वियर कर सकते हो, ऑफिस में भी। ये देखो आप, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट कलर आ गया है रस्ट कलर। ये वाली चीज जो है रिपीट की है, फर्स्ट एक बार ये मेरे पास आया था एक बैग, अब जो है दोबारा आया है दूसरा। इसमें कलर जो है हो सकता है चेंज हुए हो 19-20, बाकी जो भी आए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये आ गया है जी इसका डार्क ब्लू शेड, नेवी ब्लू कलर जिसको बोलते हैं। और इनमें ये जो फ्लावर है ना, ये देख लेना आप, थोड़े थोड़े चेंज है। ये आ जाएगा इसका शॉल। इसका शॉल जो है आपको जिगजैग प्रिंट में मिलने वाला है, जैसे उसका चेक प्रिंट में था इसका जिगजैग में है। ठीक है, अब दिखा देते हैं आपको इसका नेक्स्ट कलर। नेक्स्ट जो है इसका ऑनियन पिंक कलर है, प्याजी शेड, जो लाल वाली प्याज होती है वो वाला शेड है ये। ये देखो ये आपको जिगजैग प्रिंट में मिलने वाला है। ये और बैक में सबके प्रिंट है। और एक ये शेड आ जाएगा इसमें, ये डार्क ब्राउन कलर है, बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर। और इसमें आपको ये वाला शॉल मिल जाएगा, उल्टी तय हो रखी है इसकी। इसमें ऐसे इसके ये सर्कल बने हुए हैं पूरे शॉल में, इस तरीके के प्रिंटिंग है इसमें। शॉल के प्रिंट थोड़े थोड़े से चेंज है, तो आप देख लेना जो भी डिजाइन आपको पसंद है ना उसी का स्क्रीनशॉट लेके और व्हाट्सअप कर देना। ये जी ग्रीन कलर का पीस आ जाएगा। इस सूट में आपको लेंथ का कोई इशू नहीं है, फुल लेंथ का ये पीस है। ये इस पे डिजिटल प्रिंटिंग आ जाएगी। और मेरा बेटा पीछे से खूब शोर कर रहा है ना, मेरी आवाज शायद आपको कम आ रही होगी। ये इस पे सिरोस्की वर्क का काम कर रखा है, हल्का हल्का सा सिरोस्की वर्क का काम देखने को मिलेगा आपको इस सूट पे। लेंथ फुल रेडी हो जाएगी क्योंकि गले पे ऊपर कुछ भी काम नहीं है। सेम डिजिटल प्रिंटिंग जो है आपको बैक में मिल जाएगी इसी तरीके से। डार्क ग्रीन कलर का ये सूट रहने वाला है और सॉफ्ट में बिल्कुल प्योर वाली जो पश्मीना होती है उसमें ये फैब्रिक आएगा। और ओरिजिनल डिजिटल की देखो यही पहचान होती है, अंदर से आपको ये बिल्कुल व्हाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आ जाएगी जी इसकी बॉटम। बॉटम भी गर्म में ही है इसकी। सारा कलेक्शन आज का विंटर वाला ही रहने वाला है। और ये डिजिटल प्रिंट में आपको इसकी शॉल मिल जाएगी, ये देखिए आप, ये देखो शॉल। और इसमें से एक सूट मेरा भी रेडी होने गया हुआ है। वैसे सर्दी के सूट मैं बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ही कम पहनती थी, लेकिन इस साल मैंने 3-4 सूट बनवा ही लिए हैं सर्दी के। आया नहीं अभी एक भी सिल के, बाकी 3 सूट मेरे गए हुए हैं सिलने के लिए। ठीक है, और एक आज दे दिया, 4 गए हुए हैं। ये देखो आप, ये सूट की लुक रहने वाली है इस तरीके से। 45 तक की जी इसमें लेंथ रेडी हो जाएगी। 28 इंच की इसकी चौड़ाई आ रही है। ये देखो आप इसका, ये इसका गला आएगा। ठीक है,
जामावार जिसको बोलते हैं ना सर्दियों का कपड़े में, वो वाला इसका काम आने वाला है, मतलब कि विविंग का काम होता है ये वाला सारा का सारा। ना ये धागे की कढ़ाई है ना कुछ और, ये देखो आप ऐसे विविंग होती है ये सारी की सारी, उधड़ने वाला निकलने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रे कलर का ये सूट रहेगा, नीचे घेरा देख लो आप, लेंथ इसमें 46 तक की तैयार हो जाएगी। और ये आ जाएगा इसका बैक, जो ये है ना ये तो बैक का बॉर्डर दे रखा है, और जो इसके नीचे है ये बाजू के लिए बॉर्डर दे रखा है, बाजू का भी अच्छा खासा कपड़ा दे रखा है। फुल स्लीव्स आपकी आराम से निकल जाएंगी, हाफ करवाओ फुल करवाओ वो आपकी अपनी चॉइस है, ये देखो ठीक है। और ये भी रिपीट का सूट है, ये पहले बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए थे इसके, लेकिन ये मिला सिर्फ प्रीति को था जो कि हरियाणा से है। और ये आ जाएगा इसका पर्पल ब्लू कलर में, कंट्रास्ट में बॉटम एकदम ना प्रॉपर पर्पल है ना ये नेवी ब्लू है, ब्लू से पर्पल की तरफ जाता हुआ शेड है। और ये देखो आप, ये इसका फैंसी वाला स्टॉल मिल जाएगा आपको साथ में, गरम स्टॉल रहने वाला है इसके साथ, बॉटम जैसे कलर का मैचिंग में आपको ये सूट मिल रहा है ठीक है। वैसे गरम सूट मोस्टली जो है ऑल ओवर के ही है मेरे पास, यही है एक पीस शायद मैचिंग वाला, ये देखो। और इसी में एक पीस आपको जो है इसका अपोजिट मिल जाएगा, ये जैसा सूट है वैसे सलवार हो गई है, जैसे सलवार है वैसा सूट हो गया है, ग्रे कलर का कंट्रास्ट है इसमें। और ये आ गया जी आपका, ये देखो स्टॉल ये वाला। अब जो है आज की वीडियो का लास्ट पीस आपको दिखा देती हूँ, खुद घर में यूज करा हुआ सूट है, ये भी बहुत प्यारा पीस लगता है बनने के बाद। सब्यसाची प्रिंट में है ये, वैसे तो इस तरीके के प्रिंट जो है गर्मियों के सूटों में आते हैं, बट इस बार जो है विंटर में भी एक से बढ़ के एक डिजाइन है। इसमें भी लेंथ विड्थ का कोई इशू नहीं है, सबका बन जाएगा सूट ठीक है। और जो इसका ये है ना टाई पट्टी, इस पे हल्का सा सीक्वेंस का काम कर रखा है बिल्कुल, और नीचे का प्रिंट देख लो आप, सब्यसाची प्रिंट पे ये सूट रहेगा, ये देखो बैक भी आपको इसी तरीके की मिलने वाली है। और ये स्लीव्स के जो इसमें साइड में कपड़ा दे रखा है ना उसमें प्रिंट यही है, इसमें थोड़ा बड़ा प्रिंट है, इसमें थोड़ा स्मॉल प्रिंट कर दिया है, बाजू भी आपकी पूरी निकल जाएंगे। डिजिटल पे ही इसका भी फैब्रिक है, डिजिटल पे ही आप इसे विंटर मसलिन के नाम से भी जान सकते हो कि हाँ ये विंटर का मसलिन समझ लीजिए आप इसे। और प्रॉपर वाइन कलर का इसका ये बॉटम आएगा, ये देखो। और कुछ बहने है ना पर्पल को वाइन बोलती है भाई, इसीलिए मेरे को है ना कई बार कलर हिंदी में बताना पड़ जाता है, भूल जाती हूँ। असल में वाइन कलर ये होता है, आप पर्पल के डार्क को वाइन कलर बोलते हो, वो वाइन नहीं होता, वो वॉयलेट कलर होता है, बट ये जो है वाइन शेड है प्रॉपर। ये इसके साथ में आपको वेलवेट का शॉल मिल रहा है, स्टॉल है सॉरी। और ये मेरे पास लास्ट सिंगल पीस ही अवेलेबल है ठीक है, वेलवेट का आपको इसके साथ में ये फैंसी वाला स्टॉल मिल रहा है, बहुत प्यारा स्टॉल है इसके साथ में, ये देखिए आप। इसके तीनों पीस निकल गए थे, हाँ ये एक ही पीस रहता है जी, ये पहले वाले सूटों में से है।